हाँ जी, तो 28th क्वेश्चन देखिए। तो यूज़ द साइन ऑफ लेस देन एंड मोर देन का, ठीक है। इन साइन को यूज़ करके पहले मैं बता देता हूँ करना है, क्या करना है। ये आपके पास दो चीज़ें गिवन होगी और हर एक का आपको बताना है, जो भी रिस्पेक्टिव यहाँ पर प्रॉपर्टी या फिर कोई भी डिमांड आपसे की गई है, ठीक है। तो किसका ज़्यादा किसका कम होगा, इसके हिसाब से आपको लेस देन मोर देन का साइन लगा देना है, ठीक है ना। समझ गए होगे ना बात, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपके पास है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है H2O के साथ, और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा गया है, तो बताइए किसका रेट सबसे फालतू होगा, किसका कम होगा। तो देखिए यहाँ पर रेट जो है, हम कह सकते हैं कि इस वाले केस में एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्ट करता है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता है, एज ए बेस एक्ट करता है और इस हाइड्रोजन को स्नैच कर लेता है। और एसिड बेस रिएक्शन आपकी केमिस्ट्री में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है, मतलब बहुत ही तेज़ी से होने वाली रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल पार्ट है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उस पर अटैक करेगा, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड करेगी। लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में ऐसा नहीं, इस वाले केस में क्या करता है, ये जो मिथाइल पार्ट है या जो एनायन पार्ट है, मिथाइल एनायन, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं काम करके एज ए बेस काम करेगा और इस हाइड्रोजन, किसके हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, स्नैच कर लेगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है, कि एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है जिसकी वजह से इसका रेट सबसे फालतू होगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से होती है, ठीक है। तो हम ये लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे बोला है फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, आपको बताना है एक्टिवेटेड रिंग किसका फालतू है। तो हमें पता है कि फिनोल यहाँ पर प्लस एम शो करके इसके इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज़ करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेंजीन की, उतना ज़्यादा एक्टिवेशन हम लोग उसका बोलेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड एक तरह का माइनस एम शो करता है, माइनस एम से ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। अब खींचने वाला तो समझ आ गया ना, तो कौन ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को खोल सकते हैं ना। आप स्ट्रक्चर को खोलेंगे आपका अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्या है, क्यों है, कैसे, ठीक है। अब इस तरीके से जा सकता है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, तो यहाँ पे प्लस साइन छोड़ के चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इसीलिए माइनस एम शो करता है। माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ठीक है। और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजिशन पर डायरेक्ट करता है। समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब अगला जो भी आपको गिवन है, गुड लिविंग के बारे में पूछा है। गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है इनमें से? तो गुड लिविंग ग्रुप हमें पता है कि ये अगर गुड लिविंग ग्रुप होता है, मतलब सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ये क्या होता है जब निकलता है तो इस फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और ये एज अ क्लोराइड, अच्छा मेरे को यहाँ पर नेगेटिव लगाना चाहिए था, क्योंकि ये जब निकलते हैं तो एज अ हेलाइड निकलते हैं ना, ये आयोडाइड के फॉर्म में निकलेगा और ये क्लोराइड के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि ये ज़्यादा है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज एक बड़े से एटम पर है और एक नेगेटिव चार्ज छोटे से एटम पर है, तो कौन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा? ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएगा ना इस एटम पे, ठीक है। तो मोर द डिफ्यूजन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी इसका मतलब अच्छी तरह निकल जाएगा। अगर अरे भाई, अगर मान लीजिए ये CH3I के साथ अटैच होता और ये निकल जाता, ये तो जब ही निकलेगा ना जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं तो क्यों निकलेगा? रिएक्शन तभी होती है ना जब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हो, ठीक है। तो ये वाला भी निकल सकता है और ये वाला भी निकल सकता है, लेकिन ये वाला निकलेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितना अच्छी तरीके से निकलने के बाद वो स्टेबलाइज होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी का फैक्टर हम लोगों ने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, कि साइज़ बहुत बड़ा है आयोडीन का और यहाँ पर क्लोरीन का साइज़ थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज कम डिफ्यूज़ होगा, इसमें ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये बात है आपको दिमाग में रखनी है। चलिए ठीक है, थैंक यू।